नगर निकाय चुनाव 2021 के अंदर नगर परिषद के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिल पाया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट हासिल करने के बाद जनता पार्टी के ही कद्दावर कार्यकर्ता राकेश पाठक पर सभापति पद का अपना भरोसा जताया है। अब इनके सामने चुनौती होगी कि जहाँ स्पष्ट बहुमत होने के बाद नहीं होने के बावजूद भी किस प्रकार ये अपना पूरा या बहुमत सिद्ध कर पाएंगे और सभापति बनने के बाद किस प्रकार इनकी जो कार्य योजना रहेगी, आइए हम जानते हैं राकेश जी पाठक साहब से। जी सर, देखिए जहाँ तक स्पष्ट बहुमत का बात है, स्पष्ट बहुमत राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं रहा होगा, लेकिन जहाँ तक सदन के ऊपर बहुमत साबित करने का है तो वो हमारे पास बहुमत लगभग हम कहते हैं हम कम से कम 50 वोट लेके आएंगे। हमारे बल 31 है, काफ़ी संख्या में निर्दलीय और काफ़ी संख्या में कांग्रेस के अंदर भी हम वोट लेके आएंगे। लगातार पिछले कार्यकाल की बात करें तो दो जो बोर्ड रहे भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, कुछ बीच में कार्यकाल थोड़ा डावाडोल रहा वो अलग है, लेकिन फिर अब जो आपकी जो इस आप भी शहर के वासी हैं, आपको भी है कि जो मूलभूत कहाँ सुविधाओं में कमी है, किन चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? देखिए नगर परिषद का सबसे पहला काम होता है स्वच्छता का। मैं इस बारे में सबसे पहली बात यह है कि स्वच्छता की ओर स्वच्छ भीलवाड़ा बने और ग्रीन भीलवाड़ा बने, इसके ऊपर ध्यान देंगे। उसके बाद हम चाहेंगे कि हम कोई भीलवाड़ा को हमारे कार्यकाल में एक ऐसी सौगात दे जाए जिसे हमारे जिसके नाते हमें याद किया जाए भविष्य में। अभी भाजपा की अगर स्पष्ट सीटों की बात करें तो 31 है, बहुमत का आंकड़ा 36 चाहिए, कैसे पूरा कर लेंगे? लगभग 15 निर्दलियों ने हमें आके समर्थन दिया है और 15 निर्दलीय हमारे साथ हैं और हम सब जो कुल 46 पार्षद हैं, हम सब हमारा जो एक पार्टी का प्रशिक्षण शिविर है उसमें हम एक साथ हैं सारे के सारे। पूर्व में अगर बात करें तो आपकी भारतीय जनता पार्टी से ललिता जी समदानित है, उनके कार्यकाल में स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी पूरा कार्यकाल एक तरह से आपसी गुटबाजी और लड़े झगड़े में निकल गया है। आप सिर्फ एक कार्यकाल का क्यों याद करते हैं, उसके पहले अनिल जी बल्दोगा का कार्यकाल था बहुत अच्छा निकला था, उसके पहले विनोद जी अग्रवाल का कार्यकाल था बहुत अच्छा निकला। आती है दुर्घटनाएं, हर बार होती है, कभी कभी हो जाती है दुर्घटना, उसको एक दुर्घटना मान के भूलिए, भविष्य में ध्यान रखेंगे ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो। बिल्कुल, तो राकेश जी पटेल साहब ने पूरी आशा जताई है कि आने वाले कार्यकाल के अंदर सबको साथ लेकर भीलवाड़ा शहर का विकास करेंगे। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।